है घर पे पहनने के लिए, नहीं तो बाहर पहनने के लिए देखूंगी। मैंने बस ऐसे ही ले लिया है कलर, ये वाला येलो कलर में नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और इधर हो रहा था मंडे, मंडे को वैसे भी तो पापा का ऑफिस छुट्टी रहता है, बट कुछ काम था, ऑफिशियल वर्क ही था, तो इसलिए उनको जाना पड़ रहा था। तो फिर इसलिए यहाँ पे लंच मम्मी बना ले रही थी, क्योंकि वो वापस तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि शाम तक ही रहना था। तो इसलिए यहाँ पर लंच बन रहा था, पनीर की सब्ज़ी, मतलब कि एक पनीर का करी बन रहा था। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर कढ़ाई में मम्मी ने जीरा डाला है, दालचीनी ऐड किया है, फिर जो सब्जियां वगैरह होते हैं जैसे कि प्याज, आलू, और यहाँ पे कैप्सिकम जो क्यूब साइज़ में काट के यहाँ पे हम लोग उसको थोड़े देर तक सॉटे कर लेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा ही फ्राई होने में आ जाए तो इसमें ऐड किया हुआ है जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, एंड फिर इसको चला लेंगे जब तक उसका कच्चापन ना चला जाए। और ये हो जाने के बाद फिर इसमें हम लोग टमाटर ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ी देर तक फिर चला लेंगे। और अभी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे मसाले। मसाले में जैसे हल्दी ऐड कर लिया, फिर जो लाल मिर्च का पाउडर है, फिर चिकन मसाला ऐड कर लेंगे इसमें। फिर यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्यूब साइज़ किया हुआ पनीर ऐड कर लेंगे, एंड इसको थोड़ी देर तक फिर चला लेना है। एंड इसमें फिर लास्ट में गरम पानी ऐड कर लेंगे, अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से ही पानी ऐड कीजिएगा। फिर यहाँ पे नमक भी ऐड किया हुआ है, एंड यहाँ पे फिर 5-10 मिनट तक ही बिठाएंगे हम लोग, एंड फिर लास्ट में थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करके उसके ऊपर से फिर हम लोग गैस ऑफ कर लेंगे। और इधर पे फ्राई दाल बन रहा था, तो फिर उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे दाल में जीरा और सरसों का तड़का लिए दिया है, और इसमें हींग डाला है, और इसमें हम लोग डाल देंगे अभी प्याज, कटे हुए प्याज और लहसुन छोटे छोटे बारीक किए हुए, और इसमें उसके साथ जो हरी मिर्च है उसको भी ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे तरह से फिर चला लेंगे। और अभी इसमें ऐड कर लेंगे पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे, एंड फिर इसको अच्छे तरह से फिर चला लेंगे। एंड जो हमने दाल को ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया था उसमें नमक और जो टमाटर था उसको हमने इसमें डाल के बॉईल कर लिया था, एंड वो बॉईल किया हुआ जो दाल है हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे और इसको थोड़े देर तक फिर चला लेंगे। एंड पानी अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से दीजिएगा, एंड तो फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लिया है यहाँ पे, और थोड़ा सा फिर लास्ट में इसमें ऐड कर लेंगे जो कसूरी मेथी है वो उसके ऊपर से यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा धनिया पत्ता अगर आपके पास है तो उसके ऊपर भी आप ऐड कर सकते हो। तो बनके लंच रेडी हो गया था, चावल, दाल, यहाँ पे दाल फ्राई और पनीर। तो बस यही था आज का लंच हमारा। Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine into. और इधर पे जो पापा लेके आए थे ना वो मिट्टी का हांडी, तो फिर उसमें मम्मी धो के
इसमें पानी रखी है, तो फिर जैसे कि खाना बनाते वक्त कुछ मतलब लीक वीक करेगा या नहीं करेगा, तो इसलिए चेक कर रही है, तो इसमें पानी भर के रख रही है, तो देखते हैं, लेट्स सी। रिंग यस, अभी इसके ऊपर मम्मी रखेगी, स्पेशली उसी के लिए लेके आई थी। और इधर पे मेरा लंच हो चुका है, मम्मी ने अभी तक लंच नहीं किया है, वो बोली कि बाद में खाएगी क्योंकि लेट से ब्रेकफास्ट भी किया था, एक्चुअली 12 बज गए, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मुझे दे दो, मुझे वैसे भी बैठना है 3 बजे से, तो आज थोड़ा सा जल्दी हो गया था, तो फिर इसलिए सोचा कि मतलब जल्दी ही खा लेती हूँ, मतलब 2:15 तक मतलब ख़त्म कर लिया था, तो फिर इसलिए अभी थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम, तो फिर क्या रेस्ट करूँ, फिर भी मतलब कि जाना पड़ता है, तो फिर चलती हूँ। तो फिर लंच तो हो गया मेरा, मम्मी बाद में करेगी, तो मैं आप लोगों को रात में मिलती हूँ, रात में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या क्या लेके आई हूँ, तो अभी मैं जाती हूँ अपना काम करने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे, तो फिर कल बहुत लेट हो गया था एक्चुअली, कल का एक रात में एक रेसिपी मतलब कि शेयर किया हुआ है, बट आप लोगों के साथ आज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ इस वाले ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। क्यों कर रही हूँ, आज क्यों नहीं किया इस ब्लॉग में, वो मैं आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में बताऊँगी, कुछ स्पेशल रेसिपी था, तो फिर इसलिए उस चीज़ के लिए लेट हो गया, और अगर मैं इसमें इंक्लूड करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए सोचा है कि कल वाले ब्लॉग में इसको शेयर करूँगी, तो उस चीज़ को कुछ स्पेशल रेसिपी है, तो फिर इस चीज़ के लिए इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ। हाँ, और कल मतलब कि डिनर करते करते 12 बज गया था, और पर से मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, तो फिर दिखा नहीं पाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों को जैसे मैंने बोला था कि मैं दिखाऊँगी करके, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह उठ के दिखाई देती हूँ, तो इसलिए आज सुबह सुबह उठी हूँ, तो फिर अभी कुछ 8:30 या 9 बज रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फिर यस, जो उस दिन हम लोग गए थे ना, तो फिर मतलब कि ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया, जो भी था मेरा ड्रेस था और पापा का टी शर्ट था, मम्मी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि इंडियंस ना यहाँ पे इतना अच्छा मिलता नहीं है, तो फिर कुर्ती के लिए ना जो भी मम्मी को जैसा पसंद है वो ना बहुत ढूंढ ढूंढ के फिर जाके मिलता है वैसा टाइप का, लिटरली यहाँ पर इंडियन वेयर में मतलब हद ही मुश्किल है ढूंढना कुछ भी, तो फिर इसलिए मम्मी बोलती कि नहीं कभी और अच्छा आएगा तो फिर लूँगी, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर इसलिए मम्मी ने कुछ नहीं लिया अपने लिए, तो फिर पापा के लिए जो मैंने लिया वो तो एक्सचेंज करना ही था, तो फिर वो चीज़ तो आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, फिर भी और एक बार दिखा लूँगी। तो फिर हम लोग गए थे जो होम टाउन, तो उसमें से ये वाला बॉटल लिया है हमने, बहुत अच्छा था, 1+1 फ्री था, तो फिर रिजनेबल रेट में भी मिल गया था, तो बहुत क्यूट लगा एक्चुअली, कुछ भी पानी का पानी रख सकते हो, तो फिर दूध रख सकते हो, तो इसलिए बहुत क्यूट लगा ये, इसका जो भी राइटिंग है हेल्दी बॉडी हेल्दी लाइफ, तो फिर बहुत क्यूट लगा, बहुत सुंदर है, तो ये वाला लिया है, ये 1+1 ही फ्री था, तो बस ये वाला लिया। एक्चुअली हम लोग किसी और चीज़ के लिए गए थे बट वो चीज़ वहाँ पे मिला नहीं, तो फिर हमने सोचा कि ठीक है चलो कोई नहीं, बात नहीं, शायद से ख़त्म हो गया होगा, हमने कभी देखा होगा, तो फिर और ऊपर से गई थी, तो फिर मैंने अपने लिए घर में पहनने के लिए नाइट सूट लिया है, तो फिर इस चीज़ के लिए ये उसका ऊपर वाला है टॉप, और उसके साथ ये पैंट है उसका, तो फिर ये यहाँ पे बग्स बनी लिखा हुआ है, तो फिर मुझे ऐसे कार्टून वाले क्यूट क्यूट वाले बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे टाइप के ड्रेसेस में प्रेफर करती हूँ, आपने देखा ही होगा, तो ये सारे, तो ये वाला एक हो गया, और एक मैंने लिया एक जॉगर्स में लिया है,
तो फिर ये वाले कलर पैंट में तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि वो मतलब कि घर में पहनने के लिए नहीं, बाहर भी पहनने के लिए। ऐसे अभी ठंडी का सीज़न भी आ चुका है तो जीन्स पैंट पहन के ना मैं एकदम बोर हो चुकी हूँ, लाइक कितना पहनूँ बाहर जीन्स। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक पैंट ले लेती, तो इसके ऊपर कोई भी कलर का मतलब टॉप या टी शर्ट्स, क्रॉप टॉप्स भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया है, बहुत सुंदर लगता है कलर, तो फिर इसको लिया है। अभी तो ठंडी का सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है ना, तो फिर इसलिए ये वाला एक पैंट लिया है और ऊपर से एक टी शर्ट लिया है घर पे पहनने के लिए, नहीं तो बाहर पहनने के लिए देखूंगी। मैंने बस ऐसे ही ले लिया है कलर, ये वाला येलो कलर में नहीं था कोई भी टी शर्ट्स मेरे, तो फिर मैंने सोचा कि एक टी शर्ट मतलब कि टॉप ही ले लेती हूँ, क्योंकि इस कलर में पहले बहुत होते थे, आजकल तो इस कलर में मिलते भी नहीं है और अच्छे राइटिंग भी नहीं रहता है, मतलब एक लोगो एक अच्छा होना चाहिए वो भी नहीं मिलता था। तो फिर बट मिल गया एक अच्छा वाला, तो मैंने सोचा कि ठीक है ले लेती हूँ। तो यही था, और जो पापा का जो लेके आए थे इसको तो रिटर्न करवाना है, फिर नेक्स्ट टाइम कब जाएंगे देखते हैं। तो यही था ये वाला टी शर्ट, तो आपने तो देख ही चुका होगा ये वाला टी शर्ट लेके आई थी। तो बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए थे, बस मम्मी के लिए भी सोची थी बट उसको तो पसंद नहीं आया। लिटरली हमने मैक्स में भी ढूंढा और ट्रेंड्स में गए तो वहाँ पे भी नहीं था। अब ये था ना कि अगर कार होता तो फिर हाँ दूसरे शॉपिंग मॉल में भी जाते, बट था भी नहीं वो, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है रहने तो कोई बात नहीं, वेस्ट एंड वेस्ट में अच्छे अच्छे मिल जाते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फिर यही था बस, दादा थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया, बहुत दिनों से कपड़े का कुछ शॉपिंग नहीं किया था। इनका ब्लॉग ज़रूर देखना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तो फिर तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी रखिए। और अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।